गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको व्यंजन वर्ण में संयुक्त वर्ण पढ़ाने जा रहे हैं। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? चार। पहला कौन सा है? अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। क्या है पहला? अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। तो अब देखिए, अक्ष से कौन सा संस्कृत शब्द बनता है? तो अक्ष से बनेगा क्षत्रिय। क्षत्रिय का हिंदी क्या होगा? राजपूत। और दूसरा है त्र, तो त्र से क्या होगा? त्रिशूल। त्रिशूल का हिंदी क्या होगा? त्रिशूल। और तीसरा क्या है? ज्ञ। ज्ञ से क्या बना है? ज्ञानी। ज्ञानी का हिंदी क्या होगा? संत। और चौथा क्या है? स्र से श्रमिक। स्र से श्रमिक संस्कृत शब्द बना है, इसका हिंदी क्या हो गया? मजदूर। तो आप लोग के पास बुक है, बुक में आप लोग ध्यान से देखिए क्या है। संयुक्त वर्ण चार हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। तो अक्ष से बन गया क्षत्रिय, क्षत्रिय का हिंदी राजपूत। और त्र से त्रिशूला, त्रिशूला का हिंदी त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञानी का हिंदी संत। और स्र से श्रमिक, श्रमिक का हिंदी मजदूर। तो ये चारों शब्द हैं, आप लोग कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लेंगे और इसको उच्चारण करके पढ़ेंगे तो आपको ये सब पढ़ना आ जाएगा। धन्यवाद।